सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि जो ये जीव है, इस पृथ्वी पर जो भी जीव आता है वो मेरी आज्ञा से आता है, मेरी आज्ञा से ही जाता है, मेरी आज्ञा से ही रहता है। और जीवन जीना आसान नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति, जो जीव पृथ्वी पर आ गया, जिसने शरीर को धारण कर लिया, आत्मा तो न जल सकती है, न अस्त्र शस्त्र उसे काट सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है, आत्मा तो अमर है। और वो आत्मा नया चोला धारण कर लेती है, एक चोले को छोड़ती है तो दूसरे को धारण कर लेती है, एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर में चले जाती है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को यही बता रहे हैं महाराज, यही कह रहे हैं कि हे उद्धव, जितना भी ज्ञान आपके पास है, जितना भी ज्ञान आप किसी को दे सको, वो ज्ञान जब भी किसी को दो तो ज्ञानवान बनकर मत दो, ज्ञानी बनकर ज्ञान मत दो। ज्ञान का होकर ज्ञान दो, ज्ञान में खोकर ज्ञान दो। जो व्यक्ति ज्ञानी होकर ज्ञान देता है, उस ज्ञान में अहंकार होता है। जो भगत भक्ति करता है और वो भक्ति ये सोचकर करता है कि ये भक्ति करने से मुझे ये प्राप्त होगा, भक्ति करने से मुझे ये मिलेगा, तो वो भक्ति करने से उसको कभी नहीं मिलता। भक्ति अगर करनी तो जैसे राजा बलि जो थे तो दानव उनके कुल में हुए, लेकिन उन्होंने ऐसी भक्ति की है, ऐसी भक्ति की है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे परम भक्त हैं राजा बलि, प्रहलाद उनके परम भक्त हैं, ध्रुव उनके परम भक्त हैं, मीरा उनकी परम भक्त हैं, सुदामा उनके परम भक्त हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हमें, प्रसंग हमें मिलते हैं कि ये सब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, हमें उन भक्तों के तरह बनना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस जीवन में प्रभु के समीप जाने में बड़ी कठिनाइयां होती, कठिनाइयां मिलती है उद्धव, समीप नहीं जा पाता। समीप जाने के लिए अनेक कठिनाइयां आएंगी, कोई भी आप अच्छा कार्य करेंगे, भगवान का कार्य करेंगे, उसमें विघ्न पड़ता है, उसमें कष्ट आता है, भगवान की तरफ आप बढ़ते हैं। कारण क्या है? कलयुग का वास है और वो आपको रोकता है परमात्मा की तरफ जाने से, और परमात्मा आपको अपनी तरफ खींचता, आपका मन करता है पूजा पाठ करने का लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन कहते हैं कि इन बंधनों को तोड़ने के लिए, इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए एक सत्संग ही माध्यम है, सत्संग ही माध्यम है।